फख्र है कि हमें मिला तो जमीयत उलमा इस्लाम का साथ मिला और सियासत में हमने नारा मारा तो हजरत मौलाना शहीद यूसुफ खान साहब के पीछे चलकर नारा मारा। हमें इस बात पे फख्र है चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम सिर्फ उलमा इकराम की नहीं बल्कि ये औलिया इकराम की बनाई गई जमात है। मैं सच्ची बात कहता हूँ कि कुछ लोग इलेक्शन के दौरान अपने लीडर वजारतें दिलवाकर मुतमईन नजर नहीं आते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनका नारा पेट का नारा होता है, उनका नारा अवाम के हुकूक हड़प करने का नारा होता है, उनका नारा खत्मे नबूवत पर डाका डालने का और लादीनियत का नारा होता है। लेकिन सच्ची बात है कि हमें बज़ाहिर कई दफा अगर नाकामी भी हो जाए तो हम मुतमईन होते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने नारा मारा तो एक किरदार का नारा मारा, हमने नारा मारा तो एक शख्सियत का नारा मारा और हमने मोर मारी तो अल्लाह की किताब पर मोर मारी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि कायदे जमीयत की अल्लाह उम्र दराज फरमाए ताकि आप इस मैदान अमल में, इस इंतहाबी अमल में, इन इस खित्ते पर गासबाना काबज लोगों के मुकाबले में सैकड़ों मरतबा हिस्सा लें, राय देंगे। अल्लाह हजरत की उम्र दराज फरमाए और हमें अपने दावों और नारों में इस्तकामत अता फरमाए। वाहिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं सरदार अरशाद साहब से गुजारिश करता हूँ, हजरत अलामा सैयद यूसुफ साहब इंतहाई काबिल कदर काबिल फखर मेहमान खुसूसी कायदे जमीयत हाफिज हमीदुल्लाह साहब, मौलाना इम्तियाज अब्बासी साहब स्टेज पे बैठे, कायदी और पिंडान में बैठे मेरे काबिल फखर गयूर दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं अहलियान बारल की तरफ से हजरत अलामा सैयद यूसुफ साहब को अमीर जेयूआई आजाद कश्मीर दोबारा मुंतखब होने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और इसके साथ अपने इस अजीम शख्सियत मेहमान खुसूसी हाफिज हमीदुल्लाह दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद और खुश आमदीद कहता हूँ कि वो हर बार जब भी हमने पुकारा, जब भी हमारे कायदे मोहतरम ने उनको कॉल की, वो यहाँ सुदरुस्ती में तशरीफ लाए। मैं उनका अल्लाह पाक अजर अजीम अता करें। मैं वक्त की कमी है, कायदीन को सुनना है, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अमीर यूआई नहीं बल्कि आप अमीर कश्मीर हैं अलामा सैयद यूसुफ साहब। चलो नज़म के हवाले से जो बाकी मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप अमीर कश्मीर हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, बातें बहुत थी, वक्त की कमी है, मैं इसी पे खत्म करता हूँ। वमा अलैना बरा बोल मोबी जज़ाकुमुल्लाहु खैर। ये थे अरशाद भाई बारल से। अब मैं मुल्तमी हूँ कि वो स्टेज पे आए और नज़म पेश करें। साजिद रहमान साहब से Thank you.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی داود و علی داود و علی داود و علی داود و صلی اللہ علیہ وسلم تم سلامت رہو اے میرے ساتھیوں تم سلامت رہو اے میرے ساتھیوں حق کے رستے میں پاؤں بڑھاتے چلو تم سلامت رہو اے میرے ساتھیوں حق کے رستے میں پاؤں بڑھاتے چلو گر مسائل اٹھانے پڑے آپ کو اٹھانے پڑے آپ چم جاتے چلو دیوانے کی ہے سزا قدم تم عبادل ہو مفتی محمود کے تم عبادل ہو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں یہ وہ ساتھی ہیں جو ہمارے ابھی اس حفلے میں ابھی سے شامل ہوئے ہیں تو میں ملتمس ہوں افراز صاحب سے وہ آئیں اور حضرت سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے افراز صاحب کو جو ابھی ہماری اس جماعت میں شامل ہوئے ہیں رشید صاحب وہ ہار پہنا اور پھر وہ خود اعلان کریں گے اس جماعت گزشتہ 30 سال سے نجیب نقی صاحب کے ساتھ تھے اور ہمیں صلہ یہ ملا کہ آج بھی آپ نکر کی دانوں روڑوں پہ جائیں انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی ٹائر پکی جگہ سے نہیں گزرے گا سب سے پہلی بات یہ اور دوسری بات یہ کہ حضرات میں وہ وائی شخص ہوں کہ الحمدللہ تو نے مجھے بار بار اس چیز پہ مجبور کیا کہ حضرت آپ جہاں ہیں وہ آپ کا سٹیج نہیں ہے آپ ایک مسجد کے خطیب ہیں آپ کو یہ سٹیج آپ کا ہونا چاہیے اور جس طرح آج آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے میں بات کر رہا ہوں 30 سال ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہے کبھی مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اسٹیج پہ آ سکوں کبھی مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اسٹیج پہ آ سکوں تو آج یہ میری خوش نصیبی ہے اور میں شکر گزار ہوں علماء کرام کا یہ موقع دیا کہ آج میں علماء اسلام امیر جمیع علماء اسلام اس جماعت میں میں شامل ہو کر اپنے لیے فخر محسوس کروں گا حضرات آپ دوسری بات سنیں کہ نکر کے 8 پولنگ اسٹیشن تھے سات پہ مولانا نے ون کیا اور 8واں میرا پولنگ اسٹیشن تھا وہاں مولانا کو جیتنے میں نے نہیں دیا اور یہ میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی یہ انتہا ہے کہ آج 30 سال سے ہم ڈاکٹر نجیب نقی صاحب کے ساتھ ہیں اور مجھے کبھی اسٹیج پہ موقع نہیں ملا اور میں شکر گزار ہوں اپنے نوجوانوں کا جناب عثمان صاحب ہیں اور میرے دوست احباب ہیں
जिन्होंने इतनी कावश करके आज नक्कर से जब मैं रैली ले मुझे गौर गौर से देख रहा था, रास्ते में मुझे ये भी कहा गया कि कारी साहब आप गलत जा रहे हैं। मैंने कहा कि लाई है कि मैं हक पे जा रहा हूं। आज मुझे ये अकल आई है, 30 साल हम कहां सोए हुए थे, रास्ते ही तो ये था लेकिन हमें कदमों में रोला जा रहा था। आज मुझे ये फखर है और इंशाअल्लाह ये ना समझना कि नक्कर के 8 पुलिस स्टेशन हैं। मैं आपको ये दावे से अजय साहब कहता हूँ कि छिछन आयन पाना छतड़ोड़ा जहां तक मेरा बस चलेगा मैं इंशाअल्लाह मौलाना साहब के साथ खड़ा रहूंगा। नक्कर के 8 पुलिस स्टेशन के अलावा बात कर रहा हूँ, हमारे उनको हमारे कुछ दोस्त वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मैं अपने किसी भाई को, अपने किसी रिश्तेदार को इंशाअल्लाह भगने नहीं दूंगा, किसी की बात सुनने नहीं दूंगा और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द मैं एक जलसे का प्रोग्राम नक्कर में रखूंगा। जनाब अल्लाह साहब से बात करके उसके बाद नक्कर वालों के सोए हुए जमीरों को जगाऊंगा। कल स्टेज पे जब डॉक्टर साहब नक्कर में तशरीफ लाए कि ये सादक और अमीन है, अरे सादक अमीन देखना है तो देखो, अगर सादक और अमीन को देखना है अरे तुझे सादक और अमीन का सादक तो सच्चे को कहते कितनी बार डॉक्टर साहब ने हमारे साथ वादे किए लेकिन एक वादा भी पूरा नहीं किया। आज आपको एक नई बात सुनाना चाहता हूं। हमारे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक पोस्ट है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक पोस्ट है डॉक्टर साहब और जनाब चौधरी मंशा साहब अस्पताल के अंदर कितनी वैकेंसियां आई, क्या आप कितनी पोस्टें आई, क्या आपने वहां पर्चियां डाली और आप नक्कर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि पर्चियां डालें जिसका नाम निकलेगा उसे पोस्ट दी जाएगी। अरे मौलाना साहब मैं ये कहना चाहता हूं कि 30 तारीख के बाद देखना कि मेरी पीठ के पीछे कितने नौजवान खड़े होंगे। अभी वो मेरे साथ आना चाहते थे, मैंने खुद उन्हें मना किया, मैंने खुद उन्हें मना किया है कि 30 तारीख तक क्या। अरे हमारा जमीर मर गया है। अरे हमें गयूर कह के, हमें जो असलाफ दे दे के देखें कि वहां स्टेज पे उलमा भी होंगे, कितने टीचर हजरात वहां मौजूद थे, ऐसी ऐसी बातें उठ रहे। Thank you.
तो हजरात वक्त मुख्तसर है, मैं अब अपनी तरफ से भी और अपने भाइयों की तरफ से भी और जितने भी मेरे बांजे हैं भतीजे हैं, मैं उनकी तरफ से ये ऐलान करता हूँ कि हम इसके बाद जनाब मौलाना सैयद यूसुफ साहब के साथ हैं और जो अमीर जमात इसमें भरपूर तरीका से शामिलियत का ऐलान करते हैं। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। तस्कीन न हो जिसमें वो राज बदल डालो, तस्कीन न हो जिसमें वो राज बदल डालो, जो राज न रख पाए हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का वो खतरा तो आगाज बदल डालो। पुरसोज दिलों को जो मुस्कान न दे पाए, सर ही न जो हिले जिसमें वो साज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो अंदाज बदल डालो। ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दोस्त सवेरा है, घर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। अब मैं मुल्तमिस हूँ सरदार खलील साहब जो छिछन से हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पे आए और वक्त का ख्याल करते हुए अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब सदर महफ़िल सैयद यूसुफ खान साहब, मेहमान खुसूसी हमदुल्ला साहब और जनरल सेक्रेटरी जे यू आई आबासी साहब बैठे हुए बुजुर्गो भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज ये तकरीब जो है यह हजरत मौलाना सैयद यूसुफ खान साहब को अमीर जे यू आई मंतखब होने पर उसके लिए इनकार किया गया है। मैं हजरत मौलाना साहब को चौथी बार बिला मुकाबला अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम के अमीर मंतखब होने पर उनको अपनी तरफ से और अहलियाने छेछान की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आज दूसरी बार मैं आफत अहमदुल्ला साहब को पे जो है ना देखकर मुझे आज वो दुआ में जो वहां पे तालिबान के कमांडर जो दुआ में जिन्होंने वहां अंग्रेजों के साथ बैठकर दस्तखत किए, मुझे आज वो याद आ रहे हैं और मुझे हाफिज अब्दुल्ला साहब उसी तरह के कमांडर महसूस हो रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अब्दुल्ला साहब से उन कमांडरों की खुशबू आ रही है। मैं इनका बहुत ही दिल से इनको टीवी पे इनको देखता हूँ तो मुझे वो दुआ के वो पगड़ियां वो बड़े बड़े कुले जो है वो याद आने शुरू हो जाते हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, शान क्या होती है? मुसलमान की शान ये है कि उन्होंने दुआ घुटने टेका कर उन्होंने ये इस्लाम के कमांडर हैं, हम मुजाहिदीन के कमांडर हैं, हमने सारी आर्मी और अब पूरी दुनिया की सुपर ताकतों के साथ नैते लड़कर जो है ना हमने ये साबित किया है कि कमांडर मुसलमानों के होते हैं जो इस तरह से होते हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों दोस्तों, मैंने जमीयत उलमा इस्लाम का इलेक्शन इस्तीफा अपने और पहली दफा मैं 24-25 साल से सियासी पहली दफा किसी जमात का शफाफ इलेक्शन मैंने देखा, पहली दफा मैंने किसी जमात का शफाफ इलेक्शन देखा। सरदार आपासी साहब जो जनरल सेक्रेटरी मंतखब हुए, इनके लिए वोटिंग हुई और हजरत मौलाना
मुकाबला मंथित हुए। मेरे भाइयों, वोट भी देखे कि वोट किस तरीके से डाले जा रहे हैं, और बेला मुकाबला तो कई दफा देखे लोग मंथे होते हुए, इसलिए कि उनके जो है ना अपने हिसाब था। और बेला मुकाबला मंथेप किया गया तो लोगों से बुलाना ने नहीं, आप कटवाए खड़े करवाए कि आप मुझे बेला मुकाबला सदर मटके कर नहीं बोला कि क्या मौलाना साहब के मुकाबले, तो सब ने हाथ खड़े करके कहा नहीं, हम मौलाना के साथ चलते हैं, हम मौलाना को करते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर नहीं हैं, ये आजाद कश्मीर के तमाम उलमाए कराम के अमीर हैं, ये नजरियात है। मेरे भाइयों, कोई आदमी मुझे इस आजाद कश्मीर में मौलाना के लेवल का कोई कोई उलमाए में से कोई आलम बता दे। मेरे भाइयों, ये एक नगर यहाँ आज इस प्रोग्राम में मौलाना साहब की जमात में मौलाना साहब के साथ शामिल होने का ऐलान किया है। मेरे भाइयों, वो आए तो बहुत लेट हैं, लेकिन अब वो जाएंगे नहीं, इसलिए कि वो समझ के आए। मैंने 2016 में मौलाना साहब का साथ ऐलान किया था, और एक इलेक्शन मैंने मिस कर दिया, मैं लेट हो गया, इसलिए कि उस वक्त मेरी समझ में भी नहीं था कि ये जमात हक की जमात है, मुझे इसके साथ रहना चाहिए। हजरत मौलाना, अगर 2011 से पहले आप इलेक्शन में आ जाते तो मैं मौलाना 2011 में आपका वोटर होता, इसलिए लेट हो गया कि 2011 में आप आए और उसके बाद मुझे समझ आई। एक और बात मैं दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि नून लीग के लोग जगह जगह ये प्रोपेगंडा करते हैं कि मौलाना इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मौलाना इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको क्या पता चला कि मौलाना इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, के साथ बैठने वाले कह रहे हैं कि मौलाना इलेक्शन लड़ेंगे। हजरत मौलाना, मैं उनको ये कहता हूं कि मौलाना ने 24,000 वोट लिया है, किसी ने गलती से शायद कोई गलती करके हमें 1,000-2,000 वोट दिया हो, 22,000 वोट तो हमारा अपना था, तो क्या ये मौलाना सईद यूसुफ खान साहब ये डॉक्टर नजीब के पास वापस उसके पास भेजेंगे, लोगों को मोहम्मद हुसैन के हवाले करेंगे, लोगों को पीटीआई के हवाले करेंगे? ये आप लोगों को जाकर सब लोगों को जाकर ये पैगाम देना होगा कि मौलाना जब तक जिंदा हैं इलेक्शन में रहेंगे, ये किसी की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि मौलाना ने अपोजिशन का किरदार नहीं अदा किया, वो लोग हैं पीपल्स पार्टी के। मेरे भाइयों और दोस्तों, पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर चौधरी यासीन ने पूरी जमात ने मांग कर अपोजिशन लीडर के लिए एक वोट लिया, वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं अपोजिशन का, जो आपको कह रहे हैं कि जी मौलाना ने अपोजिशन का किरदार अदा नहीं किया। उन्होंने ये बना है, वोट इसलिए मांगा है कि वो मराद हासिल करेंगे, मराद तो उनको मिल रही है, अपोजिशन लीडर का किरदार अदा चौधरी यासीन को करना चाहिए, जो अपोजिशन लीडर जो वहाँ अवार्ड में बैठा हुआ है। मौलाना पे पीपल्स पार्टी के लोगों को शिकवा नहीं होना चाहिए, के लोगों को होना चाहिए कि मौलाना हमारी नुमाइंदगी ठीक तरीके से नहीं कर रही है। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसी पे खत्म करता हूँ। अब मैं मुल्तवी हूँ सरदार अहमद साहब से पे आए और अपने ख्याल का इजहार करें। सरदार आसिफ करामत साहब, रास्ता छोड़ दें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप प्रेस के तमाम हमारे जो हजरात आए हैं, हम अपनी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे प्रधानी के लोगों, मुझे सुनोगे तो बड़ा तो महसूस होगा कि ये वो पागल है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जिला आपने लिख के दिया, तारिक लाबा आपने लिख के दिया, आप नजरी भी जाने देते? मुझे बताओ यार, अपना हाथ मांगो यार, लोगों आप लोग, और जिसको देता है उसको कृपा से पकड़ो, उसको खड़ा करो यार, तुम क्या करते?
करते हो, उसको बताओ कि ये अस्पताल नहीं है, ये रात का महकमा ही है आपके सामने। कितने लोग बैठे हो जाओ, यहाँ से आपको कुछ मिलता? वो नीचे जाए अस्पताल में, वहां से आपको कुछ मिलता? यार क्या करते हो, खुदा के बंदे, अल्लाह का वास्ता है ना, कुछ सोच पर निकलो, सोच होश में आ जाओ। मैं आपसे यह पूछता हूँ, मैं अस्पताल में चला गया, क्या मैं श्री में हूँ, सब यहाँ बैठे नून लीग के बड़े आदमी है, मैंने मरीज लेके गया अस्पताल में, अस्पताल में मरीज लेके गया, आपसे नहीं मैं पूछता। तो वो डॉक्टर को उन्होंने कफन पहना हुआ था सफेद, वो तो हमें बचना चाहते हैं, हमें मारना चाहते हैं, मेरी बात सुने, उन्होंने सफेद कफन पहना हुआ, वो हमें मारना चाहते, वो एक कहते हैं इसके पास नहीं जाओ, दूसरा कहते इसके पास, मैंने कहा हमें सिलेंडर लाओ, सिलेंडर नहीं है, मरीज मर रहा है, ऑक्सीजन नहीं है हॉस्पिटल में। यार क्या खुदा, खुदा के वास्ते आप लोग पढ़े लिखे फैमिली, अगर आप सुनते एक बात है, मैं आप सबसे सवाल करता हूँ, आज नून लीग की हुकूमत है, डॉक्टर नजीम साहब का मैं खिलाफ नहीं हूँ, इसलिए मैं खिलाफ कि वो बेजार आदमी आपसे नुकसान किसी को नहीं होता है, लेकिन हमारे चमचे जो उसके साथ है वो तो सब दया कर करके चलो ये आजकल ये फायदा है। मैं आपसे पूछता हूँ कि वहां मैं क्या मरीज था, कोरोना का वो कैंसर का मरीज था, मन कर रहा था, सही साहब इस बात की जानते हैं, तो अब भागना शुरू हो गया, वो डॉक्टर जी चला गया, मैंने कहा वो क्या हुआ, कहते हैं यार वो नहीं है, ये कोरोना है, कोरोना है, और मैंने कहा रमी इससे डरने से अल्लाह से डरो, इससे डरने से जाए अल्लाह से डरो, इन लोगों सब सुनो मेरी बात, हुए और यार अस्पताल में जाके देखो, और खुदा के बजाय खुदा के लिए जाके अस्पताल में देखो, कभी आपको कोई दवाई मिली है? बिजली वाला आपको बिल देता है 10,000 रुपया, आप गर्दन फेंकी हुई जाके बिल जमा करवाते हैं, वो इन लोगों को पकड़ो इधर से, ये सब आराम इकट्ठे हो गए हैं, बच्चा इधर से पकड़ो, आपसे भी मुखातिब हूँ, आपको मैंने 2 दफा वोट दिया है, मेरे भाई हैं आप, मेरा आपका एक रिश्ता है, आपका एक भाई बीमार है, खुदा ताला मेरे भाई को सेहत अता फरमाए, मैं साफ बात कहता हूँ, आपके पास 25,000 वोट है, आप हमारे जैसा आदमी अगर आपके साथ चलते हैं फिर आप क्यों नहीं चलते, मुझे यह जवाब है, मुझे ये चीज का जवाब है, अगर मैं चलता हूँ आपके साथ, जो लड़ता है आपसे, जो जम करता है जम करेंगे, अपना हक लेना जो हम सब समझिए नहीं, आपका कमाना बोलना शोर देना चाहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि क्या करो, मुझे पता है वो वोट देगा वो कैसे देगा, वोट डॉक्टर उसी को देंगे, मैं जानता हूँ पाइप देगा वोट उसी को दे देंगे, वो आदमी या वो स्मगलर है, जो आदमी प्रधानमंत्री का खोड़ा उसको पसंद करते हैं अपने जाके रिवॉर्ड के छत के उठाने के लिए, हमारा कोई कसूर नहीं है, समझ गया कि मैं प्लंदरी में रहता हूँ, मैं एक अच्छी फैमिली का मैं टेंशन नहीं मैं देखता, आज मैंने टाइम लिया हुआ है, मैं एक अच्छी फैमिली का पढ़ी लिखी फैमिली का आदमी हूँ, मुझे बताए आज अगर गलगला हो जाता है प्लंदरी में, तूफान आ जाता है, जहाँ जो इंतजामिया वाले बैठे हैं इनमें से कोई इंग्लिश बोलेगा चेयरमैन साहब, बताए मुझे इस बात का, मुझे बताए वो इंजीनियर में अंग्रेज आएगा वो क्या करेगा, क्या करेगा, आपको आज ये घंटी और कहता हूँ डॉक्टर ने जी क्या जो भी आता है मोहम्मद साहब का काम हो ही गया, जो भी आता है उसको अपने नुमाइंदों को ये बात कहो, मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ तकलीफ करते हुए कि यार खुदा के लिए हॉस्पिटल चाहिए, 30 साल हो गए हमारे पास हॉस्पिटल नहीं, और एक बात और आप सब लोगों को बताता हूँ, साहब आपको भी बताता हूँ, बाहर से अक्सर आते हैं ये जब वो होता है ना शादी बदरू की शादी तो रिछ लगरी है, ये चार
जो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं खोद रहा है, पचास आदमी आसादी वोट में खोद चुके हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने वोट यहाँ पैसे भेजे हुए 4 लाख 3 लाख रुपया, ठीक है आपको पता है, सबको पता है, खुदा की कसम उन लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो पैसे नहीं दे रहा है डीसी, यार अल्लाह से डरो कि नहीं डरो, वो पैसे क्यों नहीं दे रहा है, कहते हुक्म नहीं है, ये जो करोड़ों करोड़ों आया इस दौर में इतना पैसा आया वो किधर गया जी, चेयरमैन साहब आप मुझे बता दें, कानून लेने वाले आप ही है, पूछे डीसी से वो किधर गया है, मुझे भाई है जो मेरा भाई है अपोजिशन में हूँ, मैं डट के बाद मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, मसला नहीं है, लेकिन मैं अपना हक लेना, आदमी धीरे से रहा है 30 साल एक आदमी धीरे से रहा है, हॉस्पिटल में शाप करने की जगह नहीं है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, शोर पैदा करो, मैं नहीं कहता हूँ क्या करो, या इतनी पफी कुमकी है, वो सोचो उठो वो खुदा दियो पलो, अपना हक मंगी जाओ वो खुदा दे कर, तो तुम्हें गलत ना साहब ना वोट ना सेठ साहब ना मैं वोट दे, लेकिन यो सेठ साहब की मैं आना है सेठ साहब अपोजिशन ही, मैं तुम्हें दसा मैं हमेशा बेनसला, मैं सेठ साहब वाला इस्तीफा कर आपके बता दूं आपका, वो बात था बात जो आसमान पे होता है, वो उड़ता हुआ जा रहा था रास्ते में, उसने चूहा देखा, वो चूहा गिरा, वो भाग नहीं सकता था, उसे उठा के यहाँ डाला, पर मारना शुरू हो गया, वो चलता गया, थोड़ा आगे गया तो क्या कमजोर हो गया, उसने देखा ये तो पर काट गया है, उसे नीचे फेंका, फिर उसको तरसाया, फिर उठाया और दूसरा पर के नीचे डाला, वो दूसरा भी काटना चला, उसने कहा यार चलते हैं शेर के पास, पूछते हैं उसके पास कि यार ये मेरे साथ ये काम हुआ, मैंने देखी की है क्या किया, उसने कहा जी चूहा मैंने इधर डाला, उसने कहा बेनसली चीज डाली थी किसी नशे वाले के सामने की काम, ये आदमी पलंदरी में, मैं आपको साफ कहता हूँ, मैं आप लोगों को साफ कहता हूँ, ठंडे दिमाग से कहता हूँ, अपना हक मांगो, खुदा के लिए अपना हक मांगो, हॉस्पिटल मांगो, हॉस्पिटल मांगो, बिजली वालों को इंसान बनाओ, रात भर उनसे पूछो किधर खाद किधर वाली है, मैं मजी इसका करना कठिन है, और उसने देखा तुमने ना कोई दुनिया की कोई चीज अब मौलाना साहब आप भी हमारे पास आए हैं, मैं आपसे चाहता हूँ आपका शुक्रिया हमारे पास आने का, सही साहब को मैं दिली मुबारक कहता हूँ, खुदा बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह तमाम साथियों से गुजारिश है कि वक्त की नजामत का ख्याल करते हुए बहुत मुख्तसर वक्त में बात करें, अब मैं मुल्तमिस हूँ जफरुल्लाह साहब बहुत ही मुख्तसर वक्त में अपने जो है वो शेख का मुस्तफा नहमदुहू वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाजिबुल एहतराम चीफ गेस्ट मनाजरे जमीयत मोहतरम जनाब हमदुल्ला साहब साहबजादा शेख अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम कश्मीर आवाज पहचान रियासत जम्मू एंड कश्मीर साहबजादा शेख मौलाना सईद यूसुफ खान साहब जनरल सेक्रेटरी जनाब इम्तियाज अब्बासी साहब और पिंडार में तशरीफ फरमा नौजवान साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब को अपनी तरफ से और अहले पलंदरी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके साथ साथ अमीर जमीयत को बिला मुकाबला मुनाने पर उम्मीद की कल्ब उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये जो टाउन क्योंकि ये टाउन का प्रोग्राम है तो मैं टाउन की जो कमेटी जिसने ये खूबसूरत बज़्म ऑर्गेनाइज की मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम और एक अच्छा इस्तकबाल किया गया। हम 2011 से बतरतीब आगे बढ़ रहे हैं
और जब 2016 आया तो 11 के मुकाबले में हम 24,000 थे, और वो 24,000 जिन्हें न वफाक खरीद सका, न पंजाब खरीद सका, न 21 करोड़ खरीद सका, वो वापस जाता नहीं। वो अगर आता है तो अपने मुफादात को छोड़कर रियासत की बात, तेरा सुदनते की बात और एक बात किरदार क्यादत के साथ करा होता है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एजाज़ है। हाँ, हम पलंदरी के मसाइल की बात तो करेंगे, लेकिन जब रियासत की बात आएगी तो रियासत की नुमाइंदगी भी इंशाल्लाह हम ही करेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आज से 4 साल पहले एक शोर था, एक टीम मुख्तलिफ जगहों पे जाके ऐलानात कर रही थी, हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, और फिर देखा कि 4 साल तक खामोशी रही, और आज फिर एक शोर फिर गली मोहल्लों में हो रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे इलेक्शन में आने से जो अपोजिशन हो रही है, जो किरदार हम अदा कर रहे हैं, ये चंद लोग सलों में बैठकर टेलीफोन के कंपेन करते थे, आज करिया करिया गांव शहर शहर जा रहे हैं, तो ये हमारा किरदार है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़्यादत का किरदार है। जिसके पास मैसर हो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं। हमें इससे बहुत फॉलोअर, मैं कहता हूँ कि लाखों में मौजूद हैं। ये कुर्सी हमारे लिए मुकद्दम नहीं थी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जहाँ दीन का काम रहा है वहाँ आपके और मेरे मसाइल के लिए भी एक मास्टर आवाज हमें अता फरमाई है। हम इसकी कदर करें। ये टूटी, ये पाए, ये खम्बे, ये हमारा मकासद नहीं है, ये हमारी जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती से आज एक टूटी, एक जो होल है उसकी चिट्ठी चिट जो है वो हमारे मिनिस्टर साहब दे रहे हैं। हमें सोचना होगा कि आया हमने ये जो पीछे हमने जो गलती कर ली है अपने लिए, अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए एक फैसला कर डालो। उम्मीद है कि अगर ये 25,000 थे तो आने वाले इलेक्शन में हम 40,000 का फिगर अबूर करेंगे इंशाल्लाह। तो आखिर दावा से गुजारिश करता हूँ कि बहुत ही मुख्तसर वक्त में टाइम बहुत क्लील है, तो अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अब्दुल कदीर साहब जो मांग के हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और मुख्तसर वक्त में अपने खिलाफ का जवाब करें। الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما بعد انتهائي والدي الاحترام آج کے اس بزم کے مہمان خصوصی دلکار جمعیت ترجمان جمعیت جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی رہنما حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت مولانا علامہ صاحبزادہ سعید یوسف صاحب امیر جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر حضرت مولانا امتیاز احمد عباسی صاحب خطہ کشمیر کی بزرگ شخصیت ہم سب کے مہربان میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد یاسین خان صاحب سرپرست اعلیٰ جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر اخلاص حضرت مولانا عبدالرشید صاحب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع سندوتی جمعیت علماء اسلام ٹاؤن کمیٹی کے امیر حضرت مولانا سفیر صاحب جنرل سیکرٹری قاری شفیق صاحب مختصر وقت کے لیے ایک میزبان کی حیثیت سے زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ بہت سارے مہمانان گرامی یہاں پر تشریف فرما ہیں وہ انشاءاللہ العزیز بات فرمائیں لیکن قائد پاکستان قائد جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی رہنما حضرت حافظ حمداللہ صاحب کو خوش آمدید ضرور کہتا ہوں چونکہ جب ان کے پروگرامات ہم ٹی وی پر یا جو دوسری نشریات ہیں ان پر سنتے ہیں
तो दिल खुश होता है कि जमीयत उलमा इस्लाम का जिस तरीके से मौकूफ बयान करते हैं, हमारी तबीयत खुश होती है कि अल्लाह ताला ने हमें कैसे कीमती हीरो से नवाजा है। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर खिताए कश्मीर में सिर्फ खिताए कश्मीर के ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम के अजीम मजहबी रहनुमा मुबल्ग इस्लाम अल्लामा सैयद यूसुफ खान साहब, जो कि हमारी जमात की क्यादत फरमा रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत का हमें साया नसीब है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनका साया तादेर हमारे सर पर कायम रखे। जमीयत उलमाए इस्लाम एक हादसाती पैदावार नजरिए का नाम है, हजरात उलमाए देवबंद के किरदार का नाम है, मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह की दावत तबलीग का नाम है, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की सियासत का नाम है, और कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुल आलिया के फॉर्म ऑफ फरासत का नाम है। इस काबिले हक के साथ शामिल होने वाले आज या इससे पहले तमाम साथियों को अपनी तरफ से जमीयत उलमाए इस्लाम जिला सदौ की तरफ से मुबारकबाद और दुआगो हो कि अल्लाह ताला इन हजरात को दीन की सरबलंदी के लिए, दीन की अशात के लिए जमीयत उलमाए इस्लाम का दस्तबाजू बनने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि मैं एक माह से बीमार हूँ और बहुत सारे साथियों ने फोन करके मुझसे बीमार कुर्सी करते रहे, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि टाइफाइड का मरीज हूँ, ज़्यादा देर खड़ा होना भी और मेरी टांगें भी इजाज़त नहीं दे रही, इसलिए कि टाइफाइड का मरीज और बहुत सारे साथियों ने जिला सदौ के कोने कोने से फ़ोन करके मेरी दिमागदारी की, बीमार कुर्सी की, हैरियत मालूम की, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी मेरी सेहत के लिए और तंदुरुस्ती के लिए दुआ फरमाएंगे। बाखरी दावा ना अल्हम्दुलिल्लाह के अब्दुल्ला। अब मैं मुल्तिस हूँ अर्शद साहब पंथल पंथल के वो आए और मुसालों से अपने ख्याल का अर्शद साहब पंथल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی کے صحابی کا وہ شہانہ یاد آتا ہے بدل کر بھیس گلیوں میں جانا یاد آتا ہے اس عید کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں عمر خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے मेरी तरफ हाफज अब्दुल्ला साहब को सैयद साहब को जुमला जितने लोग आए इस पिंडार इस सारे खुशामदीद अगर कारी साहब तकरीर करने से तकरीबन मैं आज कोई प्रोग्राम ले सा स्टेज पे आऊंगा साले वक्त भी थोड़ा जगह ना आ जाए क्या मतलब कोई ऐसा हूं ना काम करी जो डॉक्टर साहब के बाद ही मैं अपनी जगह मजबूत हो कोई ये जान इलाज ना बदले की अच्छी इसकी बात इस वक्त को लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना करना टाइम भी मुख्तसर है लेकिन डॉक्टर का काम होना दवाई देनी लिखनी देनी भी नहीं देख किन्नी डॉक्टर तो कहनी ना वो पांच साल तो बाद अशना लिखी तो जाना की फिर गिल्ला उस ऊपर कड़ी गल ना पिछली दफा मैं हजरत साहब ने सपोर्ट कोशिश की थी कि चलो इन्हें को वोट दवाइया देख सारे इलाके में बड़ा महसूस जहा बंदा है मैं बड़ी उम्मीद सी बड़ा तवक्को सी बड़े तल्लुक से उस दल में आया इस पर 50-60-70 वोट ही तो मैं इस पर जासा रही माड़ी गल मन सी बड़े तल्लुक से उस दल मैं गोश्त ना कम करना खून नाल कपड़े भरे मैं उसे घर जाने ने बजाय मैं गोश्त बनाना सा तो सामने तो आना सा सामने तो आया तो मैं टोका उत्ते रखिया तो मैं थोड़ी तक क्या किया उसने मैं लाना तो गल पास तो काट कोई नहीं सी लाल ही फटे से हटाया मैं जनाब हजरत साहब की शख्सियत की तुम जानने हो सके जी बहुत जानना है उन्होंने तो बड़ी शख्सियत कोई लबरी भी कोई नहीं उन्होंने वाले भी बड़े अजीम आदमी से 70 वोटों ने तो इस दफा तुसा मौलाना साहब की वोट देनी आना नहीं जी इस दफा वोट नहीं दे देना
मैं क्या हूँ डॉक्टर हाँ निका माड़ा चपरासी मैं क्या जी इस हालत भी खून लगे तू मिगी चपरासी आके मैं थोड़ा मुंह पत्ती छोड़ो ते तू जरा इतनी वोटर दया कर लगा एक चपरासिया की गल वो फिलहाल मैं ना करना चाहना अगर जिंदा रहा मैं बीमार हूँ इलेक्शन के इंशाल्लाह मुलाकात हो सी इस वास्ते मैं आना कि क्या पता इनकलाब में तो कोई पता नहीं होना डॉक्टर साहब भी गैर होते छे आख दिया बहुत बड़ा कोई अस्पताल बनाई छोड़ना जिदा सारे मरीजों का मुफ्त इलाज हो सी अज मैं उन्होंने खिलाफ कोई गल करना हो तो उस वे कोई بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو نصلی علی رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وادی سدنوتی کے جسور غیور اور غیر مند لوگوں السلام علیکم جن کی طرف سے عظم مولانا سید یوسف صاحب کو امیر جمعیت علماء اسلام منتخب آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ مہمان خصوصی حافظ احمد اللہ صاحب کو بھی اور جنرل سیکرٹری مولانا امتیاز صاحب کو بھی سدنوتی کے اندر الیکشن کا دنگل بجا पीपल्स पार्टी ने भी उसमें हिस्सा लिया कॉन्फ्रेंस ने भी शुरू में इलेक्शन माइंड स्टार्ट की एक नई पार्टी जो तब्दीली का नारा लेकर पीटीआई भी आई जमात इस्लामी ने भी शुरू में इलेक्शन माइंड चलाई जेके पीपी ने भी लेकिन जब इलेक्शन माइन उन्होंने स्टार्ट की तो हर तरफ से जब उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा उन्होंने सोचा कि अब अपनी इज्जत तो बचानी पड़ेगी कहीं न कहीं किसी सीढ़ी का सहारा लिया जाए वो और जब डॉक्टर साहब ने भी देखा कि दाग में तो कुछ काला है पलंदरी के हालात बहुत खराब हैं पलंदरी के अंदर वो ऐसी कियादत मौजूद नहीं थी इससे पहले जो डॉक्टर साहब का मुकाबला कर सके डॉक्टर साहब तो 20-25 हजार वोट लेकर चले जाते थे मोहम्मद सिंह साहब तो बेचारे 4 हजार ही लेते थे मुकाबला फिर कहां से हुआ जब उन्होंने देखा कि सदनौती की आन सदनौती की शान फखरे कश्मीर हजरत मौलाना सैयद यूसुफ साहब अब मेरी शिकस्त वाजह हो चुकी है तो उन्होंने देखा कि मैंने अपनी इज्जत बचानी है मैं लोगों से क्या कहूंगा कि वफाक के अंदर भी हमारी हुकूमत थी लेकिन सदनौती के अंदर अब ऐसी क़यादत आ गई है जिसने मेरी नींदें हराम कर दी है तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं जमात इस्लामी के पास गए दीनी जमात है जेके पीपी के पास गए उनका मोहतरम हमारी सपोर्ट करें मामला इनके अंदर तय हो गए और इनका एहतियात बन गया और अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने पूरे हलके का रुख किया साथ जमात इस्लामी की क़यादत भी लोगों के पास गए तमाम जमातों ने वादे किए कहने लगे कि मौलवी क्या करेगा एक सीट है हम तो आजाद कश्मीर के वजीर आजम बन रहे हैं दोनों हाथ खजानों से भरे होंगे और इस मरतबा हमें मौका ना मिला तो पलंदरी बहुत पीछे रह जाएगी पलंदरी बहुत पीछे रह जाएगा इसलिए आप इस तरह करें कि हमें मौका दें हमने पलंदरी को पेरिस में आना है जो इत्तेहादी जमातें थी उन्होंने भी जगह जगह पर प्रोग्राम किए कि हमने इनको पलंदरी को पेरिस में आना है हमने हॉस्पिटल बनाना है हमने यहाँ रोजगार के मौके पेश करने हैं लेकिन सिर तो उन्होंने निकाल ली जाए इसमें ऐसे एजुकेटेड आदमी खरीदे गए पैसों के और आगे उन्होंने
लोगों के जमीरों का सौदा किया। साढ़े चार साल गुजर गए, आप लोग मुझे इतनी बात बताएं, पलंदरी का हॉस्पिटल उसी तरह है या नहीं है? यूनिवर्सिटी की हालत आप देख लें, इन्होंने कैंपस लाया कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे चलाएंगे, वहां लाख की क्लासे चलाएंगे, स्टूडेंट की ये फीसें खा गए, ये झूठ है, ये सच है, खा गए। और उसके बाद हमारे कायदे जमीयत ने अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर स्टैंड लिया, डिप्टी कमिश्नर के सामने मुज़ाकरात हुए और स्टूडेंट को उनका हक मिला। और ये लोग कहते हैं कि ये मौलाना साहब ने ओपोजिशन अदा नहीं या ओपोजिशन का किरदार अदा के नहीं किया है। मैं आज देश के साथ से इन्हें क्या देना चाहता हूँ कि मौलाना साहब का इलेक्शन में आना ही तुम्हारे लिए ओपोजिशन, मौलाना साहब का इलेक्शन में आना ही तुम्हारे लिए ओपोजिशन है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि मौलाना साहब रोड़े बुला, और खुदा के बंदो तब्दीली के दावेदार हो, ये काली देना या लोगों का जियत देना ये तुम्हारा काम है, ये पीटीआई का काम है, जमीयत उलमा इस्लाम तुम्हें हक की जुबान है, ये लोगों को तकलीफ नहीं दे सकते बल्कि उन्हें सोच दे। और दूसरी बात जो लोग कहते हैं कि मौलाना सैयद यूसुफ साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, नून लीग वाले कौन कहते हैं? क्योंकि इन्हें अपनी शिकस्त नजर आ रही है। और एक और तब्दीली के दावेदार जमात, कश्मीर की कातिल जमात, कश्मीर बेचने वाली जमात कहते हैं कि मैंने कश्मीर के लिए कुछ कहते ना, जिन लोगों को रगला रहे हैं कि मौलाना साहब इलेक्शन लड़ेंगे, मेरे इनके साथ मुज़ाकरात हुए जो टिकट होल्डर है, खुदा की कसम मैंने उनसे पूछा, अतीक साहब आप मुझे आप कितने बात बताएं कि आपने वोट कितने लिए हैं? खुदा की कसम उस आदमी ने कहा मुझे आप वोट का नहीं पता। और फिर मेरे स्वामी हो वो भी वहां के ही है, मेरे खुदा की कसम चार पुलिस स्टेशन से हमने उसे रहे। जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी भी डाले इनके, उनका कंपटीशन था डॉक्टर की मां की जान के डॉक्टर को हमने 150 मैं टालिया ना आऊंगा, खुदा की कसम हमें वो कह रहे हैं कि जो मौलाना ग्रुप हो हमें पोलिंग स्टेशन जिताओ और हम हल्के के कहोगे कौन नहीं। हमने कहा कि हम अगर हमारे बाजू के अंदर सोरे दम हुआ हम इंशाल्लाह से गरीबों से पकड़कर कहां भी लेंगे और तुम्हें पोलिंग स्टेशन भी नहीं जीतेंगे। और कहते हैं ना कि हम पोलिंग स्टेशन जीतेंगे, हमने कहा तुम्हारे पास 5 वजारते हैं, तुम्हारे पास 5 वजारते हैं, काम करो तो तुम्हारे लिए पोलिंग स्टेशन जीतेंगे, क्या बात। और पीटीआई वाले कहते हैं जी मौलाना साहब हमारी सपोर्ट करेंगे इस मरतबा, तो मैंने पूछा क्यों? कहते हैं ये वफाक के अंदर हमारी हुकूमत है और मौलाना साहब एक सीट जीत कर क्या करेंगे। मैंने उन्हें पहाड़ी में ही कहा, मैंने उन्हें पहाड़ी में ही कहा, मेरा एक कस्सी का समुद्र देखे। कहते हैं जी क्या बताओ? मैंने कहा तुम कस्सी थोड़ा जा पानी है, समुद्र है जो त्रै चार ड्रम भी कटी छो कोई फर्क नहीं पड़ता, खदाने बंदे 1600 तक जा सुना, एक बंदा 1600 वाला कह रहा कि मैं सीट निकाल रहा हूँ, 24,000 वाला किधर गया? सोचने की बात है, पलंदरी के लोगों चेहरे बदलने से निजाम नहीं बदलेगा, हमने निजाम बदलना है और इसके लिए दिन रात करके कायदे जमीयत का साथ देना है। पाकिस्तान के अंदर भी आज ओपोजिशन देख लो ये कहते कि मौलाना फजल रहमान बरवानी आज वो पहला खिलाड़ी बन चुका है। और दूसरा नंबर ये पीटीआई चौथे जमात कहती है कि मौलाना फजल रहमान ने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। मैं इसे बता देना चाहता हूँ आज दुनिया के अंदर देख लो कश्मीर एक फ्लैश और ये तमाम किरदार मौलाना फजल रहमान का है। तुमने 2 साल के अंदर पता पूरा कश्मीर भेज दिया इसके सीधे। मैं इतनी बात करना चाहता हूँ मौलाना साहब, हमारे हल्के के अंदर नौजवान लोग यहाँ पलंदरी के लोगों का है और खुदा की कसम राजा ओवरसीज की पोस्ट पर अपना बंदा जैसा ये नायल और नालायक है। कल के अखबार में इसने कहा कि मैंने सतनौती के अंदर 3 हॉस्पिटल दिए हैं, खुदा रहा आपको के हॉस्पिटल नजर आ रहा है, खुदा की कसम ये हॉस्पिटल ये ट्रांसफर हॉस्पिटल बन रहा है।
और ये माफिया इसके खिलाफ इकट्ठे हो जाओ और मौलाना का साथ दो। और कहते हैं कि ओपोजिशन में रहकर कौन होता है, मेरा इनसे ये सवाल है, आज तक मलक प्रवेश को कोई मलक नवाज साहब को कोई हरा सका है? सदर याकूब को रहने वाला बैरिस्टर हसन इब्राहिम है, देखो ओपोजिशन के अंदर उसके हल्के में काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसलिए आप सुनेरियों का सौदा ना करना, अपनी सोच को बसी रखना। मैं इस शेर के साथ इजाजत दूंगा, कोई महरे कह दे कि अपनी किरणों को किन के रख दे, कोई महरे ताबा से कह दे कि अपनी किरणों को किन के रख दे, हम अपने सहरा के जर्रे जर्रे को कुछ अपना सिखा रहे होते। अब मैं मुफ्ती हाफिज असार साहब की दुआएं और मुख्तसर वक्त में मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं कायद जमीयत जनाब इज्जत मार हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा सैयद यूसुफ साहिब को कि जो बिला मुकाबला अमीर जमीयत मुंतखब हुए और उनके साथ तशरीफ लाने वाले जनरल सेक्रेटरी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो जमीयत की जानिब से जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए और अपनी जानिब जमीयत यूथ फोर्स की जानिब से कारकुनान जमीयत के जानिब से दिल की अथाह गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ साबक सेनेटर रियासत पाकिस्तान हाफिज हमदुल्ला साहब का कि उन्होंने अमीर जमीयत की दरख्वास्त पर बेशुमार मसरूफियात को बाले ताक रख कर जिला सदनती के अंदर तशरीफ लाई। मुख्तसर वक्त के अंदर पहली बात ये करना चाहता हूँ कि ये स्टेज जो है स्टेज नहीं है, जब हम इस स्टेज से या किसी की जात को बराए रास्त टारगेट करते हैं तो इसका असर मौलाना साहब की शख्सियत पर भी पड़ता है और मिंबर पर बैठने वाले हम जितने लोग हैं उनकी शख्सियत पर भी पड़ता है। लिहाजा अल्फाज का इतना दुरुस्त चुनाव किया जाए कि तब हमारी बात कारकुनान के दिल के अंदर उतर जाए। अब मुख्तसर वक्त में एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हाल ही में नक्कर नाली के मकान पर एक जलसा किया गया और वहां पर डॉक्टर साहब ने एक हक और सच बात कही जो शायद लोगों को समझ नहीं आई, लोग उस पर बजाते गए। डिमांड की गई कि हमें रोड दी जाए तो डॉक्टर साहब ने बाजी अल्फाज में कहा कि ये जो रोड़े हैं ये कश्मीर काउंसिल बनाती है, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, लिहाजा फंड रुके हुए हैं, हम कर सकते ये अपने इख्तियार से पट्टी लगाकर हमारे जमीनों को झंझोड़ते हैं कि देखो कि मैंने रोड बना दी है। लोगों याद रखो डॉक्टर साहब मैदान में आ चुके हैं और हमारे मुर्दा जमीनों को मुर्दा रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आज मैं कायदे जमीयत से भी बराए रास्त मुखातिब हूँ और ये इल्तजा करता हूँ कारकुन होने की हैसियत से कि आप भी मैदान अमल में आ चुके हैं, लोगों के बेदारी शौर की तलकीन करते जाइए ताकि एक साल के बाद जब को वक्त आए वोट डालने का फिर हमें किसी की किरदार किसी न करनी पड़े, जमीर इतना जाग जाए कि हक को हक कहने वाले बढ़ जाए और झूठ को झूठ कहने वाले बढ़ जाए, ये चीज हमें करनी होगी। आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जब जमीर मुर्दा हो जाते हैं तो पढ़े लिखे लोग भी हक बात नहीं करते। फिरौन से जब बनी इसराइल को निजात मिली, फिरौन का काफिला पीछे है, बनी इसराइल वाले समंदर पार करते हैं, फिरौन गर्क हो जाता है
लेकिन बनी इसराइल वाले इतने मायूस थे, फिर भी पलट पलट कर पीछे देखते थे कहीं ये वापस निकल कर ना आ जाए, ये वापस निकल कर ना आ जाए। बनी इसराइल के ये हालात देखकर रब्बे कायनात ने समंदर को हुक्म दिया, ऐ समंदर फिरौन की लाश को बाहर फेंक दे ताकि इनके मुर्दा ज़मीर जाग सके कि फिरौन मर गया है। आज जरा सदनाती के कारकुनों, जरा सदनाती की आवाम के दरख्वास्त करना चाहता हूँ, इस बाबरकत स्टेज से अपने शऊर को बेदार कर लो। 4 साल जो शख्स आपके दरमियान नहीं आया वो 5वें साल के अंदर भी आपके काम नहीं करेगा। अगर जमीर मुर्दा रख दिए, एक पाइप उसका रंग तब्दील कर दिया गया जाएगा, स्कीम का नाम भी तब्दील कर दिया जाएगा, तो कहा जाएगा हम तीर चलाएंगे, बड़े तीर चलाएंगे जो 25 साल से आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूँ। आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, सब हाथ उठा करते हो या नहीं, यहाँ ये बात जहन में रखना, अगर अपने काय से मोहब्बत करते हो तो किसी दूसरे के काय पर नागे बाज़बान इस्तेमाल न करना, अगर करोगे तो वो आपके काय को टारगेट करेगा और हमारा काय ऐसा नहीं है जिसे टारगेट किया जाए। इस पर मैं हदीस भी बयान कर सकता हूँ, हुज़ूर ने फरमाया एक वक्त आएगा लोग अपने माँ बाप को गालियां देंगे, सहाबा बलक उठे ये कैसे मुमकिन है, फरमाया जब वो तुम किसी दूसरे के माँ बाप को गालियां दोगे वो आपके माँ बाप को गालियां दोगे। हम अपने कायद से मोहब्बत करते हैं, किसी के कायद को टारगेट नहीं करेंगे, किसी के कायद को बदज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ हक बात जो है, जो हमारा मंशूर है वो आपके सामने रखेंगे, आपके शऊर को बेदार करेंगे और उम्मीद करते हैं जब शऊर बेदार हो गया तो फैसला करना आपके हक में आसान होगा। वह माल ने दर बहा बहुत मुख्तसर वक्त जो है से गुजरता हूँ इजाज़ साहब नगर से कि वो आए और सिर्फ 2 मिनट। कात्यानी खद्दार का शय उसे ना वाकिफ है, क्या कहे किरदार का। बजम अकीदत दे विच यारो, बजम अकीदत दे विच यारो, आया मेहमाना दा शुक्रिया है। एक सुगंध सुगंध दाना इन्ना प्यारियां दीवानियां दा शुक्रिया है। पुरखलूस जो साडे मेहमान आए, पुरखलूस जो साडे मेहमान, इन्ना बच्चियां बुढ़ियां जवाना उन्हें शुक्रिया है। जहां उल्फत ए गुमंद महफल सजाई शमसी, जहां उल्फत ए गुमंद महफल सजाई शमसी, इन्ना कदरदारा मेहमाना उन्हें शुक्रिया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब हजरत मौलाना सैयद यूसुफ साहब जेईओई अमीर अदाल कश्मीर और हमारे मेहमान खुसूसी जनाब महमूदुल्लाह साहब और हमारे सेक्रेटरी इम्तियाज साहब और यहाँ जो हमारी सदारत है वो हमारे तहसील के साहब, जो हमारे और पंडान स्टेडियम में बैठे हुए सब लोग, अस्सलाम वालेकुम। मैं अगर एक एक आदमी का नाम लेना चाहता हूँ तो बात नहीं कर सकूंगा, क्योंकि जो भी आदमी मैंने देखा है यहाँ 10 मिनट से कम किसी ने टाइम नहीं लिया है, तो इतना लंबा टाइम लेंगे तो हमने हजरत को सुनना है, फिर हमारे मेहमानों को सुनना है, तो हमारे पास टाइम नहीं होगा। मैं आपसे मुख्तसर से बात करना चाहता हूँ कि जहाँ पर जेईओई का तल्लक है तो लोग कहते हैं कि मौलाना सही सिर्फ एक जेईओई की एक सीट है, इसको लेकर क्या करेगा। ये लोगों पाकिस्तान के अंदर देखो जो CPN है उसके अंदर जो मुसलमान है उसकी क़यादत कम कर रहा है मौलाना फजल रहमान कर रहा है, ये कराची से लेकर पिंडी तक के न्यूज है, यह सबसे बड़ा न्यूज किसका था, ये जेईओई मौलाना फजल रहमान का था। मैं दावे से कहता हूँ खुदा की कसम अगर मौलाना को साथ बाकी पार्टियों दे देते तो यह हिकमत चंद ही सुन में गिर जाती, लेकिन लोग बिक गए उनको अपने आप कैप्शन के खतरे आ गए और मौलाना बाद में शख्स है, यह सादा का अमीर है मौलाना फजल रहमान सादा का अमीर है, जिसके साथ कोई कैप्शन का केस नहीं है, उसका कोई असासे नहीं निकले हैं, और यह मौलाना साहिब यूसुफ जो हमारी ईमानदारी कर रहा है। हमारे साथी ने यह बात की कि यह डॉक्टर साहब के मुखालिफ
इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये मौलाना इलेक्शन में नहीं आए हैं, ना इनका सियासत का ये मकाम बनता था, ये मेरे और आपके कहने पर आए हैं। या मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने सियासत के इस मैदान में कदम रखा और ये शहर के धूम में पांव रखा, और शहर कभी गंगा नागर शहर में छलांगे जा रहा है, कभी पंथल में जा रहा है, कभी वो दुबई से जाकर बोल रहा है, इससे भी पहले ये शहर पक्का सोया हुआ था किसी जमात से तले रखते हैं, हम किसी के शान के खिलाफ को बात नहीं करते हैं, काम पर काम पे जो तनकीद अब हम करेंगे करते रहेंगे और करते रहेंगे। ये डॉक्टर साहब ने वहां पर कहा कि देखो लोगों, मैं अगर मैं नालायक हूँ, मैं अगर इसके काबिल नहीं हूँ तो मुझे दो वजारतें मिली हैं। ये सच्ची बात है, उनको जो वजारतें मिली हैं वो बिल्कुल लायक हैं, इसके काबिल हैं, उनको इसलिए वजारतें मिली हैं। इसलिए उन्होंने काम तो कोई नहीं करना था, इसलिए वजारतें बचा के रखी हुई हैं। वहां उन्होंने ये कहा कि मैं कहता हूँ एक इस्तीफा, एक आदमी के घर में तो वो उन्होंने किया कि उसने डाकू ने दरवाजे पर दस्तक दिया दी, तो वो आदमी उठा, उन्हें कहा जी एक मिनट टाइम दे, मैं आपको जो थोड़ा सा वक्त दे, वो उठा और जाकर पूरी खोली और अपना पिस्टल था वो अपने बगल के नीचे दबाया और पूरी खोल कर बैठ गया। जब डाकू उसके घर से साजो सामान और जेबर लूट कर चला गया तो अपनी बीवी को कहने लगा, देखो मैं कितना अकलमंद हूँ, कितना दानिशमंद हूँ, उसने मैं क्या अकलमंदी किया तूने, तूने सब जेबरात और सब दौलत लुटा दी है, अकलमंदी क्या सी किया, कहो पागली देखना अपने पिस्तला सामने रखा ना है। तो डॉक्टर साहब अपनी वजारतें तो सामने रखी हुई है ना भाई, जो हम कहा कि मंदासी में तुझे पेड़ खुला पड़ता है, वहां जाकर नकद में उन्होंने बात की, हम पलदरी में बैठे हुए हैं, हमें पलदरी की बात करनी चाहिए, सऊदिया की बात करनी चाहिए, तुर्क और अफगानिस्तान और ईरान की बात करनी चाहिए। तो वहां कहने लगे देखो लोगों, मैंने आपको क्या दिया है, लोगों ने क्षमत किया उनकी, जो उठता था वो तकरीर नहीं करता था, उनकी क्षमत करता था। उन्होंने यह कहा कि लोगों देखो ना, वो मैंने पतन में लौट दिया, वो देखो तड़का लौट दिया, कोई लौट दिया, ये आए बाएं करके लोगों को टिका करते लगे डॉक्टर साहब। और ये हमारी रोड जो बनी है इसका आपको पता है कि किन किन ठेकेदारों के हाथ से हुआ है पतन रोड, या मैं कपड़े पूरा सूट सिलता है इसको शोल्डर को उन्होंने बात की थी कि नकद वाले आदमी जो आफतकारी साहब आए या दुरुस्त लेट आए लेकिन दुरुस्त आए। मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी तक भी लेट इस दफा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि छेड़छाड़ में डॉक्टर जीव साहब को बहुत बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाए और बहुत बड़ा तरीका कार से उनको जिताया जाए, इसलिए कि वो आपका जो हॉस्पिटल है वो अपग्रेड करने के लिए किया था, अभी तो 25 से 20 बेड इसमें पड़े हुए हैं, तो वहाँ का स्टाफ मौजूद नहीं है। फिर इनकी काले की भट्टी, दो साल काले की भट्टी 6 साल स्कूल में लगी रही और 3 साल उसका दर्द में कैसे चलता रहा, तो वो काले से दोबारा हाई स्कूल बन गया है। अभी मैं ये कहता हूँ इस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब का प्रोग्राम दिया जाए, ठीक साहब उनका है कि अल्लाह के वास्ते के पीछे इस हाई स्कूल का प्राइमरी स्कूल कर दें, या तो उनके अख्तियार में या तो कर देना, या किस तरह की बातें करते हैं कि डॉक्टर साहब जब लोगों ने उनके साधक अमीन कहा, उनको वली अल्लाह कहा, उनको उलमा के साथ तहदीद देने शुरू, मेरे ही भाई हैं, जय लोग हैं, ये किधर मिलाते हैं मौलाना सईद साहब को और डॉक्टर साहब को, ये इनका सानी है को बदरी में। तो मैं एक शेर के साथ खत्म करता हूँ क्योंकि सेक्रेटरी साहब ने 2 मिनट का टाइम दिया है, तो ये हजरत के शान के मुताबिक मैं कहता हूँ कि डॉक्टर साहब और हजरत का क्या फर्क है, ये लोगों सुन लो। कदर नबी दागिर की जान, कदर नबी दागिर की जान देखामने वाली मेरे रूहानियो, हो मेरे जानियो मुड़ देखामने वाली, ते कदर नबी दा बुलबुल जाने, ओ कदर नबी दा बुलबुल जाने, ओ कदर नबी दा बुलबुल जाने, ओ मस्त मस्त दिमागा वाली मेरे रूहानियो
मस्त जमाना वाली। मैं टाउन के साथी है हमारे पे बात करना चाहते हैं, मैं उनसे माजरत करता हूँ कि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मैं अब गुजारिश करता हूँ अजीर रशीद साहब मंग से हैं, हमारे मेहमान हैं, तो वो आए और दो मिनट में अपने ख्याल कर लें। खजा में फूल खिलाओ तो कोई बात भी है, खजा में फूल खिलाओ तो कोई बात भी है कि बहार आए तो कांटे भी मुस्कराते रहते। सदर बदम मेहमान खुसूसी कायदे जमीयत सेनेटर जनाब हाफिज हमदुल्ला खान साहब, अमीर जमीयत अल्लामा सैयद यूसुफ खान साहब और जनरल सेक्रेटरी JUI जनाब मौलाना इम्तियाज अब्बासी साहब और मौलाना यासीन खान साहब पिंडाल में और स्टेज पे तशरीफ फरमा। दोस्तों, मुझसे पहले दोस्तों ने अपने अपने अंदाज में बात कर ली है, तकरीर का मौका नहीं है, वक्त हाथ से निकल रहा है, हमने कायदीन को सुनना है। सिर्फ आज की नशिस्त में मैं कायदे जमीयत जनाब मौलाना अल्लामा सैयद यूसुफ साहब को बिला मकाबला JUI आजाद कश्मीर का अमीर मुंतखब होने पर दिल की अथाह गहराइयों से अपनी तरफ से अहले मंग की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं, और जनरल सेक्रेटरी जनाब इम्तियाज अब्बासी साहब को JUI का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। दोस्तों, इस मरहले पर मुझसे पहले दोस्तों ने अपने अपने अंदाज में बात की, मैं ये कहना चाहूंगा हमारे लिए अल्लामा सैयद यूसुफ साहब के लिए या हाफिज हमदुल्ला के लिए ये आमदा इलेक्शन कोई वक्त नहीं रखते, इनकी कोई हसीयत हमारे नजदीक नहीं है। इस वक्त आजाद पाकिस्तान ने और एजेंसियों ने सौदा कर लिया है, अगर आपने उस रकावट पैदा करनी है तो आपको जमीयत उलमा इस्लाम का साथ देना होगा, जो कश्मीर की तकसी के अंदर रकावट बने। आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर खत्म नबूवत पर हमले हो रहे हैं, आज पाकिस्तान के अंदर मुल्क पाकिस्तान के अंदर सहाबा के नाम लेकर गाली दी जा रही है और इसे फैशन चाहते हैं, अगर आप सहाबा का दफा चाहते हैं आओ उलमाए हक का साथ दो, तो कल भी इनके खिलाफ सीसा बजाई हुई दीवार का गर्व बेशर्मी का बेगारती का सलाम राम चाहते हो, कादियानियों को घर मस्लम ही रहने चाहते हो, पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान का साथ दो और आजाद कश्मीर में अल्लामा सैयद यूसुफ का साथ दो, तभी आपका ईमान बच सकता है, वरना खतरा है कहीं ऐसा ना हो कि हमें ये दायरा इस बाहर करें। मैं गुजारिश करता हूँ साबर साहब प्यान से कि वो सिर्फ मुबारकबाद पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिले सदर एहतराम मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों और स्टेज पर बैठे हुए वरहमतुल्लाहिवबरकातुहु, मैं सबसे पहले अवामे इलाका बयान की यूथ की जानब से कायदे मोहतरम मौलाना सैयद यूसुफ साहब को एक बार फिर बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर पेश करता हूँ और अवामे इलाका बयान की तरफ से भरपूर हिमायत का भी यकीन। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है हमारे सम सदमती वालों के लिए कि हमारे आदमी घर में घर का जो आदमी होता है उस पर आदमी को इतना इत्माद नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मौलाना सैयद यूसुफ जैसा शख्सियत से हमें नवाजा है कि उनको तीसरी चौथी मरतबा बिला मुकाबला अमीर मुंतखब किया गया है। मैं इससे ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का एक शेर आपकी नज़र करके चाहूँगा, फारसी में शेर है कि क्यों ज़ियाकार बनूँ सूदे फरामोश रहूँ, फिक्रे फरदा न करूँ मैं बेगमे दोष रहूँ,
नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रखूं, हम नवा में भी कोई गुल हूं के खामोश रखूं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गुजारिश करता हूं इलियास साहब नायब सदर जे यू आई गड़ा और पाकिस्तान का सब अहले ईमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही वाजिब इहतराम जनाब इस बज़्म के मेहमान खुसूसी सेनेटर हाफिज हमदुल्लाह साहब, जनाब अमीर जेयूआई आज़ाद जम्मू व कश्मीर मौलाना सैयद यूसुफ साहब, सेक्रेटरी जनरल आज़ाद जम्मू और कश्मीर जे यू आई जनाब इम्तियाज़ इबासी साहब पंडाल में बैठे हुए, और जनाब वरहमतुल्ला आप हजरात के सामने और मेहमानों ने ग्रामी के सामने भी हायर इसलिए नहीं होना चाहता कि मुझसे पेश रहो, बहुत सारे मुकर्ररीन ने जनाब यहाँ बहुत सी बातें अपने अपने अंदाज में कह दी है। असल में बात यह है कि हालात के मुताबिक लोग इतने जल चुके हैं कि उनके अंदर का गुबार जो वो किसी न किसी अंदाज में निकालना चाहते हैं। मेरे एक पेशरो साथी जनाब कारी साहब ने इस तरफ भी इशारा किया है कि ये ऐसा स्टेज है कि यहाँ हमने सोच समझ के यानी अदब के साथ बात करनी चाहिए। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। जनाब मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि मैं अलिया ने गड़ाला की तरफ से जनाब अपने कायद जनाब मौलाना सईद यूसुफ साहब को चौथी मरतबा बिला मुकाबला अमीर जमात अमीर जो जमीयत उलमा इस्लाम जम्मू और कश्मीर मुंतखिब होने पर दिल की अता कर रही हूँ। जनाब मौलाना इम्तियाज बासी साहब को भी मुंतखिब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी जो रहा सिक्वेश गायद मेरे भाई जनाब नजीब नकी खान के, वो बहुत लंबी दास्तान है मेरे